आप सभी को पता है पेटीएम के बहुत सारी सर्विस बंद होने जा रही है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कौन कौन सी सर्विस बंद होगी, क्या सच में पेटीएम एप्लीकेशन बंद हो जाएगा या पेटीएम पेमेंट बैंक ही बंद होगा, ये सारे यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करूंगा, डिटेल बताऊंगा कि क्या हुआ है, एग्जैक्टली क्या होने वाला है, किन चीजों के ऊपर असर पड़ेगा, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले है। तो दोस्तों साइट में आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल दिखाई दे रहा, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना है, क्योंकि उसके साथ आप लोगों को मिलेगा बहुत सारे बेनिफिट। कोई भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 1000 रुपए का कैशबैक दिया जाएगा, कोई भी सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो आप लोगों को अप टू 500 का कैशबैक दिया जाएगा, कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको अप टू 500 का कैशबैक दिया जाएगा, यानी हर एक प्रोडक्ट के एप्लीकेशन के ऊपर आपको मेरी ओर से गारंटेड कैशबैक दिया जाता है। तो दोस्तों सारे लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। तो दोस्तों चलिए आज हम जानने वाले हैं पेटीएम में एग्जैक्टली क्या इंपैक्ट हुआ है, आरबीआई के क्या गाइडलाइंस थे जिसका इन्होंने उल्लंघन किया और पेटीएम का क्या कहना है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है स्टार्ट से लेकर आखिर तक विदाउट स्किप किए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पवार और आप देख रहे हैं विनोद द डिजिटल इन्फ्लुएंसर। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो आज हम डिस्कस करने वाले पेटीएम के बारे में, क्या सच में पेटीएम एप्लीकेशन बंद हो सकता है, आरबीआई के क्या क्या गाइडलाइंस थे जिसका इन्होंने उल्लंघन किया, और ये क्या फर्स्ट टाइम पेटीएम के ऊपर हुआ, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए आप लोगों को साइट में मेरा मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रहा है जिसमें आप लोग देख सकते हो पेटीएम ऐप इज वर्किंग एंड विल कीप वर्किंग एज यूजुअल बियॉन्ड February 29, 2014। तो दोस्तों पेटीएम एप्लीकेशन पे एक अपडेट आया अपने यूजर के लिए, क्योंकि पेटीएम को लग रहा है कि मेरा यूजर बेस टूट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो अपने यूजर्स को वो गारंटी दिलवाना चाह रहे, उनको संतुष्टि दिलाना चाह रहे कि भाई हम तो काम करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जो आरबीआई के गाइडलाइंस आए थे उसका इम्पैक्ट पेटीएम एप्लीकेशन के ऊपर नहीं पड़ेगा। अभी एग्जैक्टली क्या हुआ है और इनका क्या कहना है, तो दोस्तों यहाँ पे बोल रहा जा रहा है कि रिचार्ज एंड बिल पेमेंट, तो यहाँ पे आपने जो यहाँ पे अपने सवाल थे उसमें बताया जा रहा है कि हम पेटीएम से रिचार्ज और बिल पेमेंट कर पाएंगे क्या, तो इनका सवाल है कि हाँ आप पेटीएम एप्लीकेशन को यूज करके रिचार्ज भी कर पाओगे, बिल पेमेंट भी कर पाओगे, उसी के साथ साथ अदर सर्विसेस, तो आप अदर सर्विसेस यहाँ पे इफेक्ट हो सकता है। ओके, यहाँ पे आप लोग मूवी टिकट बुक कर सकते हो, फाइनेंशियल सर्विस और जो भी बाकी की चीजें आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा है वो बता देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, ओके, इस कंपनी के ऊपर, यानी पेटीएम का ये सब्सिडियरी कंपनी थी, पेटीएम एप्लीकेशन का एक छोटा सा हिस्सा था लेकिन बहुत ज्यादा रिवेन्यू जनरेट करने वाला पार्ट भी था, क्योंकि एक बैंकिंग सेक्टर था, एक बैंक थी और एक वर्चुअल बैंक जो ऑपरेट हो रहा था। ओके, तो इसमें जो सारे ट्रांजेक्शन हो रहे थे, फास्टैग के रिचार्ज हो रहे थे, वॉलेट का ट्रांजेक्शन हो रहा था, बहुत सारे चीजें हो रही थी, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि 29 तारीख के बाद आप लोग वॉलेट में लोड मनी नहीं कर पाओगे, आप लोग पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट में एड मनी नहीं कर पाओगे, लेकिन जब तक आपका पैसा है आप उसको यूटिलाइज कर सकोगे, क्योंकि आपका पैसा यहाँ पे सेफ है, जब तक आपके अकाउंट में पैसा रहेगा आप उसको यूज कर सकते हो। इसका जो मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा जो क्यूआर से पेमेंट ले रहे थे उनके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि उनका डायरेक्ट लिंक था किसके साथ, पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ, तो वो इम्पैक्ट पड़ेगा। उसी के साथ साथ जो साउंड बॉक्स थे उसके ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि ये सारे मशीन पेटीएम पेमेंट बैंक के को कनेक्टेड थे, तो ये सारे चीजें के ऊपर पड़ेगा, वॉलेट के ऊपर पड़ेगा, और बाकी के चीजें बता दूं फास्टैग के ऊपर पड़ेगा, ये सारे चीजें हो सकती है। लेकिन दोस्तों पेटीएम किसी ना किसी कोई ना कोई बैंक के साथ टाइप जरूर करेगा और 29 फरवरी के बाद भी यह सर्विस वो दे पाएगा, लेकिन पेटीएम का यहाँ पे मेजर लॉसेस हो गए, क्योंकि आप लोग देख सकते हो पेटीएम का स्टॉक भी जब से न्यूज आई है तब से बहुत ज्यादा गिर चुका है। तो स्टॉक इतना क्यों गिरा है, तो आप लोगों को भी पता है पेटीएम का रिवेन्यू बहुत ज्यादा पेटीएम पेमेंट बैंक से हो रहे थे, क्योंकि सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू ही हो रहा था, तो एक मेजर रिवेन्यू यहाँ से जनरेट हो रहे थे, तो ये रिवेन्यू अभी जनरेट होने में दिक्कत आएगा, क्योंकि कोई दूसरी अनदर बैंक या कोई थर्ड पार्टी बैंक यहाँ पे आती है तो उसके सारे बेच रहेंगे, सारे ट्रांजेक्शन उसके रहेंगे, प्रॉफिट उसका रहेगा, इनके साथ टाइप जरूर रहेगी, लेकिन बहुत सारी चीजें पेटीएम को उनके साथ शेयर करनी पड़ेगी। ओके, तो दोस्तों ये हो रहा इनका, तो आरबीआई का गाइडलाइन क्या है, इन्होंने बहुत समय समय पे आरबीआई ने पेटीएम को बहुत सारे
चेतावनी दी थी बहुत सारे इनको, इनके जो यूज करने के तरीके थे, जो आरबीआई के पॉलिसीज थी, इसको पेटीएम धज्जिया उड़ाता था, पेटीएम उसको इग्नोर करता था, लेकिन अभी आरबीआई ने पूरा स्ट्रिक हो गया और पेटीएम के ऊपर ये पाबंदी ला दी। तो पेटीएम पेमेंट बैंक बंद होने जा रहा है और 29 तारीख से बंद जरूर होगा, लेकिन पेटीएम की जो सर्विस है वो सर्विस आप लोगों को शायद 29 तारीख के बाद आप लोगों पे कंटिन्यू मिलेगी, क्योंकि पेटीएम कोई ना कोई थर्ड पार्टी बैंक या कोई ना कोई जो ऐसी बैंक जो आरबीआई के सारे चीजों का पालन करती है, आरबीआई की पूरी पॉलिसी और गाइडलाइंस के अंडर में काम करती है, उनके साथ तो टाइप जरूर करेगा, क्योंकि उनका एक मेजर बिजनेस यहाँ पे एक्सपेंड हुआ है और उसको तो फेलियर नहीं होने देंगे, कुछ ना कुछ करके तो अपना जुगाड़ लगा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक एश्योरेंस देता हूं, आपका पैसा सेफ है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन ये भी चीज बता दूं, आपके पेटीएम बैंक के साथ कोई एफडी होगी तो आप उसको विड्रॉ कर लीजिए, कोई भी ऐसा पैसा आप लोग वहां पे रखे हो अकाउंट में उसको भी आप निकाल लीजिए, क्योंकि रिस्क से अच्छा अपना पैसा हम सेफ रखें। ओके, जब भी एक सर्विस दोबारा चालू हो जाएगी तो हम यूज जरूर करेंगे, लेकिन अभी आपको फिलहाल पैसा तो निकाल लेना है वॉलेट से। पेटीएम पोस्टपेड का तो आपका कोई प्रॉब्लम है, उसका तो वापस वो ले लेंगे, वॉलेट से पैसा निकाल लेना है, पेटीएम पेमेंट बैंक से आपका जो भी पैसा है निकाल लेना है। तो दोस्तों मेरा पैसा था, मैंने निकाल लिया, आप चाहे निकाल सकते हो, और अभी फास्टैग का इसके ऊपर क्या बैक पड़ेगा। तो दोस्तों फास्टैग के अकाउंट में आपका जितना बैलेंस है उसको आप यूटिलाइज जरूर कर पाओगे, लेकिन उसके बाद आप रिचार्ज नहीं कर पाओगे, ये चीजें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव नाइस डे।